नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। चुनाव में अब भोजपुरी ट्रैक खूब धूम मचा रहा है। यूपी विधानसभा के बाद अब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए रवि किशन ने गुजरात मां मोदी छे गाने में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वही इस बार फिर से चुनाव में भोजपुरी सॉन्ग लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट कि गुजरात में काबा। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी रण दिलचस्प होता जा रहा है। इस रण में अब भोजपुरी ट्रैक की एंट्री हुई है। हाल ही में बिहार की सिंगर नेहा सिंह राठौर ने गुजरात में काबा रैप सॉन्ग गाया था। इसके जवाब में गोरखपुर से भाजपा सांसद का गुजरात में मोदी छे रैप सॉन्ग आया है। जय श्री कृष्ण, केम छो बदा, हूँ रवि किशन शुक्ल, सांसद गोरखपुर, गुजरात में। ए बापा, गुजरात में चुंटणी आवी गई छे। हूँ तमने साने एक साची बात कहूं छुके, विकास में सहयोगी छे, विकास में सहयोगी छे, गुजरात मा सू बापा, गुजरात मा कौन छे, गुजरात मा कौन छे, सॉन्ग के लिए जारी किए गए पोस्टर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा दिख रही है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की भी तस्वीर है। रवि किशन के प्रशंसकों को उम्मीद है कि ये गाना गुजरात में रह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा, क्योंकि लॉन्च होने के पहले ही दिन सोशल मीडिया पर इसे मिलियंस में व्यूज मिले थे। इस रैप सॉन्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ उनकी नीति के साथ गुजरात के विकास, गांधी, सरदार पटेल की विरासत, सोमनाथ, द्वारका आदि का भी जिक्र है। बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भी रवि किशन ने भोजपुरी रैप सॉन्ग गाया था, जो जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हुआ था। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।